सभी देशवासियों को रेखा मेरानी तरफ से नमस्ते। दोस्तों, मैं आज भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर कोका जी से ये जानने आई हूँ कि कुछ लोगों के पास जमीन जायदाद सब कुछ है और कुछ लोगों के पास रहने के लिए खुद की जगह नहीं है, जमीन तो छोटो मकान नहीं है रहने के लिए, तो इतना उनमें डिफरेंस क्यों है? ये आज भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोका जी बताएंगे। सर बताइए। दोस्तों, रेखा मेहराना ने आज आपके बीच में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा और हर भारतवासी को पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस आखिर क्यों है। कि सपोज करें, एक गांव का अगर आप एग्जांपल उठाएंगे तो एक गांव में एक ऐसा जमींदार है जिसके पास 100, 150, 350, 400, 500, कई जगह तो एक जमींदार ऐसा भी होता है जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है, और उसी गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने का खुद का मकान भी नहीं है। आखिर ये डिफरेंस क्यों है, कहां से आया? हर देशवासी के लिए इस बात का जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्षों तक गुलाम रहा है। मुगलों ने, या मैं दूसरी भाषा में ये कहूं कि मुस्लिम संप्रदाय ने जिस तरीके से इस देश के हालात को तोड़ा, हमारी संस्कृति को तोड़ा और यहाँ के हिंदू भाइयों का, सनातनियों का धर्म परिवर्तन करवाया, ये जानकर, इनका इतिहास जानकर आप खुद जान जाओगे। उसके बाद लगभग आज से, यानी कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तो इस देश की ऐसी तैसी कर दी। उन्होंने ऐसी ऐसी प्रथाएं इस देश में लागू की, कहने सुनने से परे है। जातिवाद का जहर घोला, जमीन जायदाद को इस तरीके से बांटा कि लोग जो उनके पिट्ठू थे आज वो जमींदार हैं, आज वो मंत्री हैं, आज वो देश को चलाते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदार थे उनके पल्ले आज कुछ भी नहीं बचा हुआ। रेखा मेहराना ने इतना ज्वलनशील मुद्दा देश की जनता के सामने उठाया है। ऐसे मुद्दे अगर भारत की हर लड़की, हर लड़का, हर युवा, हर युवती, बुजुर्ग ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो हमारे देश का भविष्य बहुत ही अलग होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उनके पास क्यों नहीं है। आज के लिए हम आपसे यहीं पर विराम लेते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके आप अपना सुझाव भी दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।